निरसा के एमपीएल से निकलने वाली फ्लाई ऐश को हाईवा के माध्यम से नियमों को ताक पर रखते हुए सड़क किनारे जहां तहां डंप कर दिया जाता था, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस खबर को न्यूज बाइस्कोप ने प्रमुखता से उठाया। खबर को देखते हुए जिप सदस्य दीपाली रोहिदास ने भी फ्लाई ऐश के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी लिखित शिकायत की थी। उसी एवज में गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने निरसा पहुंचकर विभिन्न स्थलों पर एमपीएल से निकलने वाली फ्लाई ऐश डंपिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान काफी कमियां देखने को मिली। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग भी पहुंचे, जिन्होंने एमपीएल के मनमाने रवैये को लेकर अधिकारियों को भी अवगत कराया। निरसा के एमपीएल से निकलने वाली फ्लाई ऐश को विभिन्न हाईवाओं के माध्यम से जहां तहां डंप कर दिया जाता नियमों को ताक पर रखकर, इस खबर को न्यूज बाइस्कोप ने प्रमुखता से उठाया था। और उसी को देखते हुए जिप सदस्य दीपाली रोहिदास ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी लिखित शिकायत की थी। उसी शिकायत के एवज में आज निरसा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया और वाकई में पाया कि नियमों को ताक पर रखकर काफ़ी हद तक जो है फ्लाई ऐश डंपिंग जहां तक की जा रही है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का जो है वन एवं पर्यावरण समिति का अध्यक्ष दीपाली रविदास महाशय का जो है कंप्लेन था कि इस एरिया में कुछ कुछ कंप्लेन है, जैसे एमपीएल के द्वारा छाया गिराया जा रहा है, उसको मिट्टी से सही से कवर नहीं किया जा रहा है, और कुछ जगह जहाँ से क्या होता है कि बरसात के दिन में तो ठीक है, लेकिन बाकी दिन में जब मतलब धूल उड़ता है तो आसपास आदमी को परेशान होता है। एमपीएल जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव एमपीएल का, उन लोग को भी बुलाया गया था, उन लोग के सामने इसमें इंस्पेक्शन हुआ और जो अध्यक्ष महोदय है उनके सामने भी हुआ है, और गाँव वाला के भी जो भी गृहान से हम लोग सुने हैं, आगे का कार्रवाई हम लोग इसका जो भी होगा सूचित करते हैं। तो क्या कुछ स्थल पर पाया सर आपने? स्थल पर जैसे अभी पाया गया कि बरसात का समय है बोल के, अभी जो देखा गया कुछ कुछ जगह तो जो हम लोग को डायरेक्शन इससे पहले दिया गया था कि मिट्टी को जो है जहाँ पे है उसे मिट्टी से उसको लेयर देना है कि जो है धूल का ना उड़े, और आगे भी जो हम लोग देखे हैं कि लोगों को डायरेक्शन दिया जाएगा कि जहाँ था उधर परमिशन ना गिराया जाए, और गिराया जाए भी तो परमिशन लेके गिराया जाए, और गिराने के बाद उसको। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।